नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरमालवा विगत कई दिनों से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। आशा उषा एवं सहयोगी संगठन के द्वारा आज आगरमालवा जिला मुख्यालय पर इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया गया है। वहीं छावनी चौराहा पर लगाए गए इस जाम के चलते चारों तरफ वाहनों की काफी लंबी कतारें लग गई है। वहीं इस दौरान आंदोलनकारी महिलाओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा को छीना गया। फिर भी कुछ पुतले का हिस्सा जल गया है। काफी मशक्कत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने जाम खुलवा कर वाहनों को आवागमन शुरू किया गया। इस दौरान पूरे समय आंदोलनकारी महिलाएं बार बार रास्ता जाम और नारेबाजी करती रही। बोलो, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? हमारी मांगे है, हमारी मांगे पूरी की जाए। क्या मांगे आपकी, क्या मांगे? हमारी 6 सूत्रीय मांगे क्या? एक, हमारा राज्य स्थल किया जाए परमानेंट और हमारा वेतन चालू की जाए। अच्छा, परमानेंट किया जाए और हमको परमानेंट हमारा वेतन मिले। हमारा वेतन 300 का महीना था, लेकिन हमको परमानेंट कर दो बस। परमानेंट करना, हमको परमानेंट चाहिए। ये एक ही मांग है आपकी सबसे बड़ी? परमानेंट और वेतन। वेतन तभी वेतन बंद कर रखा है क्या? आगरमालवा से जावेद खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।